हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएमपी किड्स चैनल। और आज हम करने वाले पांच जासूसी पहेलियां। तो प्लीज चलिए बढ़ते हैं हम पहेली की ओर और देखते कैसे मजेदार पहेलियां मैं पूछती हूँ आपसे। सो लेट्स गो। मेहुल ठंडी ठंडी हवा को एंजॉय कर रहा था और मिस्टर थॉमस के घर पे पार्टी भी थी, इसलिए वो बहुत लाउड थी ना, तो इसलिए मेहुल वापस जाके सो जाता है। अगले दिन मेहुल को पता चलता है कि मिस्टर थॉमस मर चुके हैं और इसलिए पूरा रूम भी तहस महस दिखता है। और वो सोचता है कि मिस्टर थॉमस के उसके किलर से लड़ाई हुई होगी। सो वो पार्टी में से सब लोगों को बुलाता है और उन सब लोगों की बात सुनने में ठीक लगता है, पर ये तीनों की बात ये लोग बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ड्रिंक्स ली थी, हमने नहीं किया है खून इसीलिए। पर मेहुल को लगता है इन तीनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है। तो फ्रेंड्स, क्या आप मेहुल को सोचने में हेल्प करोगे कि कौन झूठ बोल रहा है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आप इनको एकदम ध्यान से देख लीजिए, हम अपना टाइमर कुछ देर में स्टार्ट करने वाले हैं। ध्यान से एकदम, बी फास्ट गाइस, टाइम स्टार्ट्स, जल्दी जल्दी। तो दोस्तों, आपको पता चला इनमें से किलर कौन है? किलर है नंबर 3, क्योंकि उसकी बैंडिट से जो ब्लड मैच करता है वो दीवारों पर भी थी। तो फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पहेली में, चलिए चलते हैं। मेहुल सिटी के बाहर ड्राइव कर रहा था और उसने एक मैन को सड़क पे पार पाया देखा। वो उठा कार से, निकला कार से और देखा कि वो तो मर चुका है। तो वो सोचने लगता है कि ये मैन यहाँ पे आया कैसे। तो मेहुल ने टूल बूथ की सारी सीसीटीवी फुटेजेस निकाल ली हैं और उसमें से 3 कार ऐसी दिखी जो उस रोड को क्रॉस कर रही थी। उस मेहुल ने तीनों कार को अपने ओनर्स के साथ बुला लिया और उसने उन सबके कार्स अंदर से चेक किए। तो ये है दोस्तों कार 1, कार 2 एंड कार 3। सो फ्रेंड्स, क्या आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सी कार ने उस आदमी को मारा होगा? जल्दी से बताइए इन सब में से मर्डरर कौन है, कार 1, कार 2 और कार 3। चलिए हम कार्स को दोबारा चेक करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता लग सकता है? जल्दी से हम अपना टाइमर शुरू कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आंसर है हमारा कार 2, क्योंकि वहाँ पे जो ग्लव्स हैं वो उस आदमी के पास भी थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगली पहेली की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारी अगली पहेली ये है। मिस्टर टिम और उसकी फैमिली बीच पे गए थे और बहुत मज़ा कर रहे थे। बॉल से खेलते वक्त बॉल पेड़ों में जाके फंस जाती है और मिस्टर टिम का सबसे छोटा बेटा उस बॉल को देखने जाता है, पर तभी उसको किसी ने किडनैप कर लिया। जब किसी को उसका बेटा नहीं मिला तो मेहुल भी पास में ही था, तो उसने भी सोचना शुरू कर दिया वो बच्चा कहाँ है। तो उसने भी शुरू कर दिया, तो उसने 3 लोगों को सस्पेक्ट बनाया। तो पहला आदमी बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ सुना भी नहीं है, मैं सुबह से अपने घर पे था। और ये आदमी बोलता है कि मैं तो अभी तुरंत बीच पे आया, तो मैंने कुछ नहीं किया। और ये आदमी बोलता है कि
वो भी अभी तुरंत बीच पे आया, तो उसको भी कुछ नहीं पता। तो फ्रेंड्स, क्या आप पता लगा सकते हैं इनमें से किडनैपर कौन है? वील स्टार्ट आवर टाइमर। सो फ्रेंड्स, हमारा आंसर है 3, क्योंकि उसने बच्चे की कैप पहनी है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पहेली। तो दोस्तों, हमारी अगली पहेली ये है। स्टेला ने कुछ मनी टेबल पे रखे थे विंडो के पास और वो सोने चले गई। बाद में जब वो लौटी तो मनी वहाँ पे नहीं थे, तो उसने कोई दो लोगों को सस्पेक्ट बनाया और उन दोनों लोगों से पूछताछ करने चली गई। तो पहला बोलता है कि मैं तो सो रहा था, मैंने कुछ किया भी नहीं और बहुत जोर से बारिश भी आ रही थी उतने घंटे में। तो सेकंड नेबर बोलता है, मैं तो टीवी देख रहा था सुबह से और अब मैं पानी क्लीन कर रहा हूँ जो रेन से वापस आया। सो फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है इनमें से कौन है चोर? वी विल स्टार्ट आवर टाइमर नाउ। सो फ्रेंड्स, आपका आंसर पता चला? आंसर है 2, क्योंकि उसने विंडो क्यों नहीं बंद की? जब रेन हो रही थी तो उसे विंडो बंद करनी चाहिए थी, तो उसने विंडो बंद नहीं की, इसीलिए वो पकड़ा गया। सो फ्रेंड्स, हमारी लास्ट पहेली ये है। एक वैम्पायर केव में फंस जाता है और उसके पास 3 दरवाजे सामने होते हैं एस्केप करने के लिए। तो पहले डोर में होता है मोशन सेंसर, सारा सा भी मोशन होगा तो वो सेंसर एक आग बनाएंगे और वो वैम्पायर को किल कर सकता है। दूसरा है साउंड सेंसर, ज़रा सी भी आवाज़ हुई तो साउंड सेंसर आग बना के वैम्पायर को मार सकते हैं। और तीसरा है टेम्परेचर सेंसर्स, अगर ज़रा सा भी टेम्परेचर वहाँ पे है तो टेम्परेचर सेंसर्स भी आग लगा के वैम्पायर को मार देंगे। तो फ्रेंड, आपको क्या लगता है इन सब में से कौन सा रास्ता वैम्पायर को चूज़ करना चाहिए? We will start our timer now. So friends, आपको क्या लगा? Vampire always cold-blooded होते हैं, इसलिए हमें चुनना चाहिए 3rd one. देखा friends? So चलिए अगली पहेली की ओर नहीं बढ़ते हैं। So friends, अगर आपको पहेलियाँ अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, मजा आया तो शेयर, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।